Hey guys, welcome back to my channel Delicious Sizzling. आज मैं आपके साथ लाल चौले यानी रेड काउपी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ. इसे आप प्रोटीन रिच मील भी बोल सकते हैं. आप इसको पोस्ट वर्कआउट मील में भी ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रहता है. ये हेल्दी टेस्टी न्यूट्रिशियस फूड है. आप इस रेसिपी को इफ्तार में बनाइएगा, सभी को पसंद आएगा एंड हेल्दी भी है ये. लेट्स स्टार्ट द रेसिपी. देखिए यहाँ पे मैंने 2 कप्स ऑफ रेड कॉपी लिया है यानी लाल चौले. ये कुछ बीन शेप में नज़र आते हैं आपको. देखिए आपको कहीं भी सुपरमार्केट्स में आराम से मिल जाएगा ये. अब हम इसे अच्छे से वॉश करना होगा पानी डाल के. इसे अपनी हाथों के मदद से वॉश कीजिएगा. देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं इसी तरह से आप वॉश कीजिएगा. 3 to 4 times तक वॉश कीजिएगा ताकि इसमें जो भी डस्ट है वो निकल जाए. इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है. इसमें पानी भी डाला है 1 glass. अब इसे सोक करूँगी 4 hours के लिए. इसे साइड में रख दीजिएगा 4 hours के लिए इसका प्लेट कवर करके. फोर आवर्स हो चुके हैं. देखिए ये थोड़ा स्वेल हो चुके हैं. देखिए ये आसानी से टूट भी रहे हैं. तो देखिए ये अच्छे से सोक भी हो गए हैं. तो इसे मैं अब कुकर में डाल के गलाऊंगी. कुकर में डाल दिया है मैंने. ये डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ नमक. ये 1 tablespoon ऑफ नमक है. आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिएगा. इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम भिगोते वक्त ही पानी डाला था इसमें. इसे 3 सीटी आने तक पकाइएगा. 3 सीटी आ चुके हैं तो मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ. तीन सीटी आने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है. इसे चेक कर रही हूँ. देखिए पानी भी ड्राई हो चुका है एंड ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं. लेट मी चेक. देखिए ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है. तो इसका तड़का लगाते हैं हम. अब फॉर तड़का वी नीड ऑयल. यहाँ पे मैंने 1/2 cup ऑफ ऑयल लिया है. ग्रीन चिलीज, ये 3 to 4 ग्रीन चिलीज है एंड 1 tablespoon ऑफ ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स. 1 medium size ऑनियन को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है. नेक्स्ट थोड़े से करी लीव्स. यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है. इसमें तेल डाल रही हूँ जो हमने लिया था. 1/2 cup ऑफ ऑयल. नेक्स्ट डालिएगा 1 tablespoon ऑफ क्यूमिन सीड्स. इसे थोड़ा हल्के से सॉटे कीजिएगा लो फ्लेम पे रख के. नेक्स्ट ऐड ऑनियंस. मैंने ऑनियंस डाल दिया है इसमें. इसे हल्के से सॉटे कीजिएगा. इसे ओवर कुक मत कीजिएगा. अगर आपको ज़्यादा ऑनियंस पसंद है तो यू कैन इंक्रीज ऑनियंस क्वांटिटी. इसे हल्के से सॉटे कीजिएगा मीडियम फ्लेम पे रख के. ऑनियंस थोड़ा कलर चेंज हुआ है. नेक्स्ट ऐड ग्रीन चिलीज.
आपको और भी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो यू कैन ऐड रेड चिलीज। नेक्स्ट ऐड करी लीव्स। यहाँ पे मैंने हैंडफुल ऑफ करी लीव्स लिया है। अब इसे भी सॉटे कीजिएगा। काफ़ी हेल्दी होता है ये, आप इस स्नैक को ट्राई करेगा। नेक्स्ट ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। मेक श्योर कि हम छोले गलाते वक्त भी नमक डाला था तो इसमें नमक देख के डालिएगा। इसे भी मिक्स कीजिएगा अच्छे से। देखिए ये अच्छे से पक रहा है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमने जो बॉईल करके साइड में रखा था छोले, इसमें डाल रही हूँ। इसमें जो भी एक्सेस वाटर है वो निकाल के डालिएगा। काफ़ी इजी है इसको बनाना। ये डालने के बाद एक बार इसे मिक्स कीजिएगा स्पून के मदद से। नेक्स्ट ऐड रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर लिया है। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप बढ़ाइएगा क्वांटिटी रेड चिली पाउडर का। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। एक 2 मिनट्स के बाद आप इसका फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, तैयार हो जाएगा सर्व करने के लिए। दो मिनट हो चुके हैं तो इसका फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हम। अब इसे मैं अब सर्व कर रही हूँ एक सर्विंग बाउल में। अगर आपको पसंद है तो यू कैन ऐड चाट मसाला, बट मैंने सिंपल वर्जन में बनाया है इसलिए मैंने कुछ भी ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं चाट मसाला, बहुत ही हेल्दी होता है ये, काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड है। मैंने इसको कोरिएंडर लीव्स, ऑनियंस एंड लेमन के साथ गार्निश किया है। आप खाते वक्त इसमें लेमन जूस स्क्वीज़ कीजिएगा, काफ़ी टेस्टी रहता है ये, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड भी है ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा इफ्तार में। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।